एकाग्रता कैसे लगाएं, लेसन नंबर 5। 15 दिनों तक हमारी मुलाकात बीच में नहीं हुई और कारण था कि आपको अभ्यास के लिए मुझे प्रेरित करना था कि आप अभ्यास करें, और एकाग्रता का वो प्रातःकाल उठने वाला अभ्यास। बीच में मैंने जानने की कोशिश भी की, पर एक बात समझ में आ गई, मनुष्य का अभ्यास जल्दी बदलता नहीं है। शरीर मानता नहीं, मन मानता नहीं, बुद्धि कहते कहते थक जाती है, पर क्या करें, नए अभ्यास में आना, पुराने अभ्यास को बदलना आसान रहा होता तो सभी लोग देवलोक में पहुंच गए होते, आसान नहीं है। इसीलिए मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग, ये दोनों अलग अलग विषय हैं, मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग, इसकी आवश्यकता बढ़ती है। प्राचीन काल में ये मॉनिटरिंग और मेंटरिंग ऋषियों के आश्रमों में होता था, जहां गुरु माता और ऋषि दोनों प्रत्यक्ष रूप से मॉनिटर और मेंटर दोनों करते थे। अब व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, और वैसे भी आप सब अब बड़े हो गए हैं, अपने अपने व्यवसाय में हैं, आपको कोई मॉनिटर और मेंटर आसानी से कर नहीं सकता। पर बिना मॉनिटरिंग के और बिना मेंटरिंग के ये संभव नहीं है कि आपके भीतर के अभ्यास बदले जा सकें, उन्हें बदलना बहुत कठिन है। इसीलिए एक योजना मन में उभरी है कि वो लोग जो बड़ी गंभीरता से अपने भीतर परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो सभी लोग जो एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि एकाग्रता के बिना मनुष्य अपनी समूची ऊर्जा शक्ति को किसी एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं झोंक सकता, उसका निवेश नहीं कर सकता। और जब तक सारी एकाग्रता शक्ति एक स्थान पर इकट्ठी होकर के एक लक्ष्य पर नहीं झोंकी जाएगी, असंभव को संभव बनाना बड़ा कठिन है। बिखरा हुआ मन, बिखरा हुआ ध्यान, असंयमित माने इनडिसिप्लिन्ड माइंड, इनडिसिप्लिन्ड थॉट्स, अनमाइंडफुली बेमन से अपनी मनमानी करेंगे, छोटे छोटे विषयों में आनंद और मनोरंजन को भोगते हुए समय व्यतीत करेंगे, पर हाथ कुछ सार्थक नहीं आ पाएगा। इसलिए अगर जीवन को गंभीरता से लिया है, बड़े लक्ष्य प्राप्त करने की भीतर तड़प विकसित हो चुकी है, चिंगारी लग चुकी है, तो जरूरी है कि उस लगे हुए चिंगारी को बड़ी गंभीरता के साथ हम संभालें, सहेजें और उसको प्रचंड कर दें। और इस प्रक्रिया के लिए गंभीर होना बहुत जरूरी है, मॉनिटर होना भी जरूरी है और मेंटर होना भी जरूरी है। मेंटरिंग की बात तो बाद में आएगी, पहले मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, क्योंकि रोज रोज अभ्यासों से लड़ना अपने बूते का अकेले नहीं हो पाता, जब तक कि कोई और साथ में ना हो जो हर पल अनुभव करे, सुझाव दे, हस्तक्षेप करे, इंटरवीन करे कि भाई ये क्या है, क्यों नहीं हो रहा, क्या छूट गया, क्या दिक्कत थी, करो। इसी उपलक्ष में सोचा गया कि केवल टेक्निक्स को देकर के आगे बढ़ाने से बात बनने वाली नहीं है, हम बोलते जाएंगे, आप सुनते जाओगे और निष्कर्ष यही निकलेगा, सर नहीं हो पाया, सर छूट गया, सर कुछ दिन किया फिर नहीं हो पाया। नहीं, ऐसी बात नहीं बनेगी। ठीक है, लेसन तो सब लोगों को 4 तक दे दिए गए, पर आगे की यात्रा अब केवल गंभीर लोगों को लेकर चलने की है। आरंभ में ईमेल इत्यादि मंगाए गए थे, पर बहुत बड़ी मात्रा में ईमेल्स आनी शुरू हो गई थी, इसलिए फिर व्यवस्था बदल करके जन सामान्य के लिए कक्षाएं खोल दी गई। पर अब क्योंकि यात्रा गंभीर है, अब मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, बिना मॉनिटरिंग के आपके अभ्यासों में, आपकी आदतों में हस्तक्षेप किए बिना सुधार नहीं लाया जा सकता। अब टोका टोकी की जरूरत है, कोई अब चाहिए जो आपका कान पकड़ करके उसे ऐंठे
और कान ऐंठ के कहे, क्या चल रहा है, तुम गंभीर भी हो कि नहीं? बड़े हो गए ना, माता पिता की डांट से मुक्त होने के बाद मनमानी शुरू हो जाती है, और फिर एक ही सहायक और एक ही सहयोगी बचता है, कौन? मूड। वो जो चाहता है आपसे करवा लेता है, और आप भी मूड को समर्पित होकर तदनुरूप करते चले जाते हो। दिन बीतते हैं, हैप्पी बर्थडे आते हैं, मोमबत्तियां जलती बुझती हैं, केक कटते हैं, ताली पिटती है, पर बात आगे नहीं बढ़ती। जीवन वहीं का वहीं रह जाता है, आंतरिक विकास वहीं का वहीं, बस सामान्य गति से जीवन ठेलता जाता है। अब अगर इसको द्रुत गति से आगे बढ़ाना है, बड़े संकल्पों के निर्वाह के लिए शक्ति जुटानी है, अपने आप को बटोर के पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में लाना है, संकल्प की प्रचंड शक्ति को जगाना है, अपनी पूरी टाइम मैनेजमेंट को इस स्तर पर लाना है कि 24 घंटों में ही इतना सब हो जाए जो ना केवल उपलब्धि पर कि गहरा आत्मसंतोष भी दे। हाँ, जो दिन बीता सार्थक हुआ, बेकार नहीं। इसके लिए अब मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। उसी के अंतर्गत अब एक योजना आगे बढ़ रही है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। 50-50 की कक्षा के 4 बैच बनाए जा रहे हैं, 50-50 लोगों की कक्षा के 4 बैच बनाए जाएंगे। बैच के नाम, बैच ए, बैच बी, बैच सी, बैच डी। चारों बैच की मॉनिटरिंग की जाएगी 60 दिनों के लिए। 60 दिन तक आपको जो अभ्यास दिए जाएंगे, उन अभ्यासों पर प्रतिदिन स्तर पर आपकी अटेंडेंस मार्किंग होगी। सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्था में जुटा दिया जाएगा, आपने बटन दबाना है, हो जाएगा। और प्रत्येक विद्यार्थी की, प्रत्येक जिज्ञासु की एक साप्ताहिक रिपोर्ट बनेगी मॉनिटरिंग की। मैं फिर से साफ कर दूं, ये मॉनिटरिंग है, मेंटरिंग नहीं है। मेंटरिंग इसके अगला चरण होगा, पहले मॉनिटरिंग। पहले हम जान तो लें कि कितने अंशों में आपकी घड़ाई करके आपके अभ्यास को बदला गया। अभ्यास तो बदले नहीं, औने पौने बौने चलते रहे, तो औने पौने बौने व्यक्तित्व की मेंटरिंग से कुछ निकलने वाला नहीं है। आप दूध को सड़क पर डाल दीजिए तो सड़क पर दूध गिरते ही व्यर्थ हो जाएगा। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, बेकार हो गया। इसलिए मनोभूमि तैयार होना आवश्यक है। मनोभूमि तैयार होगी तो उसमें मेंटरिंग के बीज अंकुरित प्रस्फुटित होकर वृक्ष का रूप लेंगे। तो मॉनिटरिंग जरूरी है, पहले आपके अभ्यास बदलने जरूरी है। तो साप्ताहिक रिपोर्ट से आपको दर्शन कराए जाएंगे, मान्यवर आप इन अवस्थाओं में रहे हैं पिछले सप्ताह। केवल एक छोटी सी रिपोर्ट आपको हर हफ्ते होगी। 60 दिनों का मतलब है निश्चित रूप से लगभग कोई 8-9 रिपोर्ट आपके पास साप्ताहिक स्तर पर भेजी जाएंगी। पर मॉनिटरिंग किसकी की जाएगी, इसके लिए 10 दिन का पहले एक पूर्वाभ्यास है। आपके मन को पूरी तरह प्रोग्राम करना है, तैयार करना है। आज से कुछ समय पूर्व मनुष्य को एक नए अभ्यास में ढालने के लिए, बदलने के लिए एक पुस्तक की मैंने रचना की थी, जिसका नाम है मैजिक मूमेंट्स, अर्थात चमत्कारिक पल उसका नाम था। मैजिक मूमेंट उस अभ्यास में आने के लिए थी जिस समय मनुष्य एक ऐसी अवस्था में चला जाता है कि उसके भीतर निर्माण होना शुरू हो जाता है। लेक्चर्स तो मैंने देने हैं, आपकी क्लास तो मैंने लेनी है, पर आपकी तैयारी आपके अभ्यास को बदलने में सहायता इस पुस्तक ने करनी है। अब जो गंभीर हैं, जो गंभीर हैं, जो आगे सहयात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, पीपल हु टेक देमसेल्फ सीरियसली शुड नॉट बिकम सीरियस एंड टेक अ सीरियस एक्शन। इसके लिए मैजिक मूवमेंट की इस पुस्तक को आपको प्राप्त करना है।
ये ई बुक में भी उपलब्ध है और प्रिंट कॉपी में भी। मैं सुझाव दूंगा कि आप प्रिंट कॉपी मंगाएं, थोड़े से पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग 280 पृष्ठों की यह पुस्तक है, बड़े आराम से आप रुचि के साथ पढ़ जाओगे, पता भी नहीं चले कब शुरू की कब खत्म। इस पुस्तक को प्राप्त करते ही आपका रजिस्ट्रेशन अपने आप मेरे पास हो जाएगा। और इस पुस्तक के प्राप्त करने की 200 लोगों के पश्चात जो और लोग इसे खरीदेंगे, उन्हें हम 60 दिन के पश्चात अगले बैच में शामिल। ए बी सी डी, अभी केवल 4 बैच, और 4 बैच में आपको 200 लोगों को मॉनिटरिंग में डाला जाएगा। पुस्तक खरीदने वाले जो इन बैच में नहीं आए वो चिंता नहीं करेंगे, उनको आगे के बैचेस में लाया जाएगा। इसलिए आपके पास 10 दिन का समय है इस तैयारी करने का, क्योंकि पुस्तक को आपके पास पहुंचने में भी 7-8 दिन चाहिए। हालांकि इस पुस्तक के विषय में आपको थोड़ी सी विस्तृत जानकारी आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी प्राप्त कर पाएंगे, पर अभी केवल मैं आपको इस पुस्तक का मुख्य पृष्ठ दिखा रहा हूं, मैजिक मोमेंट्स, चमत्कारिक पल। www.dineshji.com, इसका पता नीचे स्क्रॉल में भी है और इस वीडियो के अंत में भी है, वहां से आप इसे प्राप्त करेंगे। अपने आप आपका नाम हमारे पास पहुंचेगा, उसे हम रजिस्टर करते हुए आपको ईमेल आ जाएगा कि आप कौन से बैच में शामिल किए गए हैं। और जो लोग 4 बैच में नहीं आएंगे उन्हें ईमेल चला जाएगा कि वो चिंता ना करें, उन्हें हम अगले बैच में लेने जा रहे हैं, उनको भी उनके बैच का नाम प्रदान कर दिया जाएगा। पर अभी केवल मॉनिटरिंग पर, मेंटरिंग नहीं, मॉनिटरिंग पर केवल 200 लोगों को 4 बैच के माध्यम से लिया जा रहा है। यह यात्रा यहां रुकने वाली नहीं है, जैसे ही मॉनिटरिंग के परिणाम सामने आएंगे, आपकी गंभीरता सामने आएगी, आपको भी पता लग जाएगा कि आप अपने आप में इन रिपोर्ट्स का मूल्यांकन करते हुए जानेंगे कि मैं 60 दिनों तक कितना गंभीर रहा। इतने नहीं, और जो गंभीर हो जाएंगे उन्हें गंभीरता से अपने प्रयासों का परिणाम भी अपने भीतर स्वयं दिखना आरंभ हो जाएगा। तो आपको अपने आप अपना मूल्यांकन होगा कि मुझे अब मेंटरिंग के लिए आगे बढ़ना है अथवा नहीं बढ़ना है। देखो, हर चीज गंभीरता से चलती है। भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि यह ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान अनधिकारी को प्राप्त नहीं होना चाहिए, अधिकारी को ही प्राप्त होना चाहिए। जो अधिकारी नहीं उसे नहीं, जो अनधिकारी है वो अपना और ज्ञान का दोनों का कोई भला नहीं करेगा। सुन करके ज्ञान भी उसके किसी काम आएगा नहीं, तो ज्ञान और उसका अपना दोनों का कोई कल्याण नहीं। और जो अधिकारी है उसकी मनोभूमि में जाकर के ज्ञान प्रस्फुटित होगा, ज्ञान का भी आदर होगा, सत्कार होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसका अपना भी आत्म उत्कर्ष होगा। तो अपने आप को अधिकारी बनाना है। इस बात की चिंता मत करना कि तुम्हें कुछ भी ऐसा करने के लिए विशेष कहा जाएगा जो तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी से ऊपर जाए, पर तुम्हें अधिकार स्वयं प्राप्त करना है अपनी गंभीरता के द्वारा। ज्ञान अब सबके लिए नहीं, उनके लिए जो अपने प्रति गंभीर हैं, जो अपने प्रति गंभीर नहीं उसके लिए बाहर से किसी का कोई भी कल्याण, सूर्य ही क्यों ना हो वो भी उसका कल्याण नहीं कर सकता। आंखों पे हथेलियां रखने वाले को क्या सूर्य अपना प्रकाश दे सकता है? अपना प्रकाश नहीं दे सकता। सूर्य का भी कोई बूता नहीं है, बिसात नहीं है। इसलिए ये घोषित करना होगा,
सिद्ध करना होगा कि तुम्हारे हाथ तुम्हारी आंखों पर रखे हुए नहीं हैं। तुम प्रकाश पाना चाहते हो, आत्मसात करना चाहते हो, धारण करना चाहते हो। इसके लिए जो कहा गया, तुम्हारे पास 10 दिन का समय है। और जो लोग अभी गंभीर नहीं हो पाए और उन्हें लगता है कि अभी हमें समय लगेगा, उन्हें इस और आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि खामखा में वो इस पुस्तक पर अपना 1 भी रुपया खर्च करें। कृपया करके वो सब लोग जो भी गंभीर नहीं है, कृपया करके इस पुस्तक को मत खरीदिएगा, क्योंकि ना ही आप इसका भला करेंगे, इस पुस्तक का। क्यों? इस पुस्तक का भला कैसे होगा? ज्ञान की प्राण प्रतिष्ठा से जो आप में जाके गूंजेगा, और ना ही आपका भला होगा। अच्छा होगा कि वो पुस्तक की राशि से आप कोई नई फिल्म देखाएं, बस केवल वो जो गंभीर हो चुके हैं। यहां किसी को कोई प्रॉमिस नहीं किया जा रहा है। ये ठीक है, राजनीति में और आत्म विकास में एक भेद है। राजनीति में, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, एक एक नागरिक के द्वारा उसके मत अधिकार से ये सरकार बनती है, प्रजातंत्र है, इसलिए सबका साथ सबका विकास बिल्कुल ठीक मंत्र है, मैं इसका अनुमोदन करता हूं। पर आत्म उत्कर्ष की साधना में सबका साथ और सबका विकास नहीं किया जा सकता। इसमें केवल उनका विकास होता है जो अपना साथ देते हैं, ज्ञान का साथ देते हैं, केवल उनका विकास हो सकता है। तो जो प्रजातंत्र में एक आधार है, सबका साथ सबका विकास, वो आत्म उत्कर्ष की साधना में नहीं है। वहां वो ठीक है, प्रजातंत्र में बिल्कुल सत्य है, वैसा ही होता है, यहां नहीं होगा। क्योंकि यहां अगर आप अपना साथ नहीं देंगे तो आपका विकास नहीं होगा। इसलिए जो अपना साथ देने को तैयार है, गंभीर है, केवल वो आगे आए। दूसरों को अपना पैसा और समय और ऊर्जा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आवाहन, ये आमंत्रण, ये अभियान केवल उनके लिए जो अपने आप को गंभीरता से लेना आरंभ कर चुके हैं। समझे? 10 दिन का समय तुम्हारे पास है। जो कहा गया है उसे तत्काल करो और अगले निर्देश की प्रतीक्षा करो।